भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। दैत्य माता दीदी की जय। दैत्य गौरव तारकासुर, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हें बधाई देने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने यहां प्रकट हुआ। चकित ना हो दक्ष पुत्री दीदी, मैं भृगुपुत्र भार्गव शुक्राचार्य तुम्हारे ही समान, मैं भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तथा सप्त ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ भृगु ऋषि का पुत्र होने के कारण ब्रह्मा जी का पौत्र हूं। मुझे दैत्य गुरु का पद प्राप्त हुआ है। दैत्य गुरु? हाँ, तुम सबकी भांति मैं भी दैत्य जाति का गौरव संसार के सर्वोच्च शिखर पर देखने का इच्छुक हूँ। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर एक छत्र दैत्य शासन ही मेरा उद्देश्य है। आपका स्वागत है दैत्य गुरु। मेरे पौत्र तारकासुर को सफलता का महामंत्र प्रदान करें। अवश्य दैत्य माता दीदी, तारकासुर को सर्वोच्च शक्ति संपन्न बनाने के लिए तुम्हें ब्रह्मा जी से अमरता और अतुल बल की सिद्धियां प्राप्त करने का वरदान पाना होगा। मैं भी अपने पौत्र तारक को यही आदेश देने की इच्छुक थी दैत्य गुरु। अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है दैत्य माता। गुरु और शिष्य के मध्य शिष्य के संग रक्षकों को निर्धारित मर्यादा का पालन करना परम आवश्यक है। पुत्र की पहली शिक्षिका, प्रथम गुरु, उसकी माँ और संरक्षक होते हैं दैत्य गुरु। किंतु आप दैत्य जाति के शुभचिंतक हैं, इसी कारण आप अपनी बात पूर्ण करें। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव की आराधना सहित तपस्या प्रारंभ करने से पूर्व तुम्हें हम दैत्यों के आराध्य महादेव शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। शिव के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है दैत्य गुरु? शिव ने मेरे पिता पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के साथ जो कुछ भी किया वो क्षमा योग्य नहीं है। शिव कृपा और शिव शंकर के आशीर्वाद के बिना दैत्य जाति का उत्कर्ष नहीं हो सकता दैत्य माता दीदी। किंतु क्यों दैत्य गुरु? इस क्यों का उत्तर आपको तारकासुर के उत्कर्ष व सफलता के पश्चात प्राप्त हो जाएगा। किंतु ये भी सत्य है कि भोलेनाथ दैत्य जाति का एकमात्र हित चिंतक है। शिष्य जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर संदेह त्याग कर चलता है तभी उसका कल्याण होता है। तुम्हें शिव के समीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तारकासुर। मैं स्वयं कैलाश जाऊंगी और मैं स्वयं परखूंगी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कथन कितना सत्य है। पितामही, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तारकासुर, तुम इसी क्षण पर्वत के किसी उच्च शिखर पर बैठकर परमपिता ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या प्रारंभ कर दो। जो आज्ञा है। माता। प्रिय पुत्र वधु वरांगी, मैं कैलाश जाकर महादेव शिव की परीक्षा लेकर आती हूँ। तब तक तुम दुष्टादिति और पाखंडी ऋषि के ऊपर दृष्टि रखना। हम आपकी परम पावन सेवा के इच्छुक हैं भोलेनाथ। आप हमें
अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें भोलेनाथ। गणाध्यक्ष नंदी और तुम समस्त शिवगणों, तुम कैलाश के अभिन्न अंग हो। तुम्हारी उपस्थिति ही हमारे लिए पर्याप्त है। इस समय हमें किसी भी सेवा की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, किंतु अपनी सेवा से वंचित न करें। मन छोटा न करो भृंगी, वैराग्य और तपस्या में लगे मेरे मन को वास्तव में इस समय किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। कैलाश पति शिव शंकर, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा लेकर ही कैलाश आई हूँ। प्रजापति दक्ष की पुत्री दिवंगता देवी सती की बहन कैलाश में आपका स्वागत है। पूछें, क्या पूछने की इच्छुक हैं? मेरे पूजनीय पिता को अजामुख बनाकर आपने अपना प्रतिशोध ले लिया है। यदि आपका प्रतिशोध समाप्त हो गया हो तो उन्हें पूर्व रूप प्रदान करें। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप अपना प्रतिशोध समाप्त करने के इच्छुक ही नहीं हैं। प्रश्न प्रतिशोध का नहीं है देवी दीदी, प्रश्न है विधि के विधान का, जिसमें इच्छा होने पर भी हस्तक्षेप हम उचित नहीं समझते। दक्ष प्रजापति ने शक्ति स्वरूपा देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित कर स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित किया था। हमने तो उन्हें जीवन दान प्रदान किया था। जीवन लेकर जीवन दान दे दिया? जो जितना योग्य होगा उसे उतना ही मिलेगा। नियंता की लेखनी में दक्ष प्रजापति को अजामुक बनकर ही जीवित रहना लिखा होगा। आपके समस्त तर्क मैं अपनी माता के मुख से भी सुन चुकी हूँ। तुम्हारी माता ने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, किंतु तुम इस सत्य को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं हो। इसका समाधान हम नहीं कर सकते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा है कि आप दैत्यों के आराध्य हैं, परंतु दैत्य माता दिति पर आपने कभी भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं की। आपने वज्रांग के रूप में मुझे ऐसा पुत्र प्रदान किया जो दैत्य शत्रु का मित्र बन गया। इसका दोष भी तुम हमें ही देने की इच्छुक हो? महादेव, मेरा पौत्र तारक सर्वशक्तिमान दैत्य बनने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ कर चुका है। यदि आप सत्य ही दैत्यों के आराध्य हैं, तो उसकी मनोकामना पूर्ण करें। सत्य तो यह है देवी दीति कि तारक के माध्यम से तुम अपनी ही अपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने की इच्छुक हो। यदि कैलाश पर तुम याचना लेकर उपस्थित हुई हो तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, किंतु 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 क्या शिव शंकर? किंतु तुम स्वयं तारक को सावधान कर देना कि वरदान प्राप्त करने के पश्चात दुराचार, अत्याचार और अभिमान से दूर रहे, अन्यथा उसका अंत दुखद होगा। कौन करेगा उसका अंत? किस में होगी इतनी शक्ति जो सर्वशक्तिमान विध्वंसक शक्ति संपन्न तारकासुर का अंत करेगा? ये समय उस रहस्य को खोलने के लिए उचित नहीं है देवी दीदी। यदि कोई शक्ति होगी तभी तो आप उसका नाम घोषित कर सकेंगे शिव शंकर। नियंता की लेखनी हरेक का भविष्य अवश्य लिखती है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। आवश्यकता पड़ी तो मैं तारक से कहूंगी कि वो नियंता की लेखनी को ही तोड़ डाले। ऐसा प्रयास तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने भी किया था, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम्हें सावधान करना हमारा कर्तव्य था। हमारे पुत्र दक्ष का परिणाम तुम्हारे सामने है नारद। आज पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति अजामुख होकर जीवित रहने को विवश है। हम महाशक्तियों के सामने संबंध नहीं, कर्म महत्वपूर्ण होते हैं नारद। दुष्कर्म करने वाले को दंडित करना हमारा निर्धारित कर्तव्य है। नारायण नारायण परमपिता, मैं तो आपसे ये जानने आया था कि दिति पौत्र तारक की तपस्या सफल होगी अथवा नहीं। दिति ने तारक के भीतर तपस्या की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ
अपनी चतुराई से महादेव शिव शंकर का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया है। इस कारण तारक की तपस्या पूर्ण होने और उसके वरदान प्राप्त करने में मुझे तनिक भी संदेह नहीं। नारायण नारायण, अर्थात देवादिदेव महादेव भी अभिमानी दिति की चतुराई में उलझ ही गए। सावधान नारद, तुम्हारी जिज्ञासा और उसके पीछे छिपे हरेक के कल्याण की भावना हमें प्रिय है, किंतु आरोपों की भाषा तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन सकती है। नारायण नारायण, परमपिता, यदि जिज्ञासा की उद्विग्नता में मुझसे कोई अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करें। अपने अपराधों की क्षमा मांगना एक भक्त के भक्ति का प्रमाण है नारद। महादेव शिव शंकर ने दिति की चतुराई से तारक पर कृपा नहीं की, अपितु ये विधि का विधान है। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प युक्त तपस्वी को वरदान देना हमारा परम पावन कर्तव्य है। महादेव ने उसी कर्तव्य को अपनी स्वीकृति दी है। नारायण नारायण, अर्थात वरदान पाकर तारकासुर अपने पितामही दिति की इच्छा पूर्ति के लिए देवराज इंद्र को स्वर्ग से पतित करेगा। ये भविष्य का प्रश्न है नारद, इस समय यह रहस्य खोलना अनुचित है। किंतु किंतु क्या परमपिता? तारकासुर की भीषण और अखंड तपस्या को देखकर और भयभीत होकर देवगण और देवराज इंद्र उसकी तपस्या को खंडित करने का दुष्कर्म करेंगे। नारायण नारायण, किसी भी तपस्वी की तपस्या से भयभीत होकर उसकी तपस्या को खंडित करना तो देवराज इंद्र का निर्धारित कर्तव्य है प्रभु। किंतु वो तारक की तपस्या को खंडित करने का प्रयास ना करे, उसका परिणाम उनके हित में शुभ नहीं होगा। नारायण नारायण, ऐसा क्यों प्रभु? इस क्यों के पूर्ण इतिहास को भविष्य के गर्भ में ही छुपा रहने दो नारद। इस समय देवराज इंद्र को सावधान करना ही उचित है। जो आज्ञा परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 वज्रांग पुत्र तारक, इतनी कठोर तपस्या। हाँ, इसकी सूचना तो देवराज इंद्र को देनी ही होगी। प्रणाम देवराज। कहो देव गुप्तचर। वज्रांग पुत्र तारक अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है देवराज। तुम उसकी पल पल की सूचना हमें पहुंचाते रहो देव गुप्तचर। जो आज्ञा देवराज। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ये हमारे प्रिय भाई वज्रांग का पुत्र तारक ही है ना? आप इतने अधिक
उद्विग्न क्यों है देवराज? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वज्रांग का पुत्र तारक ही है। आपको इसका पूर्ण विश्वास कैसे है पवनदेव कि ये वज्रांग का पुत्र तारक ही है? इसकी सूचना तो आपको देव गुप्तचर ने भी दी थी। देवराज, आप ये प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको देव गुप्तचर के साथ साथ मेरे कथन पर भी विश्वास नहीं? सावधान पवनदेव, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र से अभद्रता आपके लिए कष्टदायी सिद्ध होगा। आपसे जितना पूछा जाए उसी का उत्तर दें, और ये न भूलें कि आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के सम्मुख खड़े हैं। आपको ये वाद विवाद शोभा नहीं देता देवराज। अग्निदेव, क्या आप सब मिलकर देवराज इंद्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचा रहे हैं? क्या आपको देवराज इंद्र के सम्मुख खड़े होने की मर्यादा का पाठ पढ़ाने पुनः देव गुरु बृहस्पति की पाठशाला में भेजना पड़ेगा? जिस विषय को लेकर आप इतने उत्तेजित व उद्विग्न हो रहे हैं, उस विषय पर चिंता करना भी समय को व्यर्थ करना है। आप क्या कहने के इच्छुक हैं? आपके प्रिय भ्राता वज्रांग के समान ही उसका पुत्र तारकासुर भी स्वर्ग के सम्मुख कोई संकट उपस्थित नहीं करेगा। मैं जाने क्यों इससे मुझे भय हो रहा है। आप निर्भय होकर तारकासुर पर भी उसी औषधि का प्रयोग करें जिससे वज्रांग स्वर्ग का मित्र बन गया था। आप नहीं जानते वरुण देव, हमारी विमाता दिति हमारे प्रति भयंकर द्वेष रखती है। निश्चित ही तारक उन्हीं की प्रेरणा से यह तप कर रहा होगा। हमें इसे सावधान रहना होगा। क्यों ना हम उसकी तपस्या में विघ्न उपस्थित करें? विघ्न नहीं वरुण देव, हमें तारकासुर की तपस्या को खंडित करना होगा। ऐसा भयंकर विध्वंस करना होगा जिसे भविष्य में हमारी विमाता दिति किसी भी असुर दैत्य को प्रोत्साहित करने का दुस्साहस न करे। यही उचित होगा देवराज। हम अपनी दैविक शक्तियों से तारकासुर को तपस्या छोड़कर भागने के लिए विवश कर देंगे। इससे कश्यप पत्नी दिति का स्वर्ग पाने का दिवा स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। हमें अविलंब दुष्ट तारकासुर की तपस्या खंडित करने की आज्ञा दीजिए देवराज। आज्ञा नहीं, हम स्वयं आपके साथ चलेंगे। चलो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जाने से पहले तारकासुर के संबंध में परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश तो सुन ले। हम तारकासुर की तपस्या खंडित ना करें, इसके अतिरिक्त ब्रह्मदेव का और क्या संदेश हो सकता है? देवराज इंद्र, आपका स्वास्थ्य अनुमान लगाने की कभी भूल नहीं करता। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद। गंग 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 गंग। आप सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हो रहे हैं देवराज? किंतु क्यों, क्यों न जाए हम तारकासुर की तपस्या खंडित करने? क्योंकि इसका परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा।